गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर उपद्रव मचाने वालों के कुछ और चेहरे सामने आए हैं। इन लोगों ने किसानों के भेष में लाल किले तक पहुंचकर उपद्रव मचाने की हर सीमा यहां तोड़ दी। अब वक्त है इनकी पहचान कर सलाखों के पीछे इन्हें पहुंचाने की। ये चेहरे पहचान लीजिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये दिल्ली के गुनहगार हैं। ये देश के गुनहगार हैं। ये लाल किला के मुजरिम हैं। इन चेहरों ने कितना बड़ा अपराध किया है उसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। पुलिस वालों पर हमला, पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश, लाल किला में तोड़फोड़, लाल किले में तलवार। जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, लाल किले पर उपद्रवी आतंक मचा रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश परेशान था। किसानों के भेष में घुसे दंगाइयों ने लाल किले को नुकसान पहुंचाने के लिए मर्यादा की हर सीमा तोड़ दी। राष्ट्र के गौरव को ऐसा जख्म दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अब बारी है लाल किला के मुजरिमों को पहचानने और पकड़ने की। दिल्ली पुलिस ने लाल किले में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की है। टोपी पहने इन चारों चेहरों को पहचानी। इनके हाथों में लाठी है और सामने टिकट काउंटर की विंडो। लाल किले को नुकसान पहुंचाने में इनका हाथ है। लाल किला के टिकट काउंटर पर तोड़फोड़ करने वालों में ये चार चेहरे भी शामिल। इन सभी के हाथ में लाठी डंडा है। इन दंगाइयों ने टिकट काउंटर का क्या हाल किया, अब जरा उस तस्वीर को भी देख लीजिए। अभी तक आपने सिर्फ 8 चेहरे देखे, अभी तो लाल किला के और भी गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठना बाकी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब आरोपियों की पहचान फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए भी करेगी। इस सिस्टम के तहत एक डाटा उस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है जिसमें कि जो क्रिमिनल एलिमेंट होते हैं उनकी पहचान हो जाती है। इसके लिए बाकायदा हरियाणा और पंजाब पुलिस से भी ऐसे लोगों की जानकारी मांगी जाएगी। लाल जैकेट में टूटे शीशे की अगली तरफ दिख रहे इन दोनों दंगाइयों की भी पुलिस को तलाश है। नीली पगड़ी और सफेद जैकेट पहने इस दंगाई ने भी लाल किले को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के इन तीन दंगाइयों को पहचानिए। काली पगड़ी और लेदर के काले जैकेट पहने इस दंगाई के हाथ में कृपाण है। उसके बगल में दूसरा दंगाई शीशे को तोड़ने के लिए लाठी मार रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी एक दंगाई नजर आ रहा है। इन तीन चेहरों को भी गौर से देखिए। इन तीनों के हाथ में डंडा है। अगर ये आंदोलनकारी किसान हैं, तो इनके हाथ में डंडों का क्या काम। 26 जनवरी के दिन दंगाइयों ने लाल किले में हर तरफ उत्पात मचाया था। लाल किला का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां दंगाइयों ने तांडव ना मचाया। ये तीन दंगाई भी लाल किले को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। इन सभी की मंशा क्या थी, ये इनके हाथ में मौजूद डंडों से साफ हो जाता है। इन तीन चेहरों को भी पहचानने की कोशिश कीजिए, कहीं लाल किले के ये मुजरिम आपके आसपास तो नहीं छिपे। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस लाल किला के अंदर लगे CCTV वीडियो के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो को भी खंगाल रही है। इसमें जो लोग शामिल हुए थे, पहले उनका पहचान करना, चिन्हीकरण करना उनका बहुत जरूरी अहम होता है इसमें। उसमें हमारी जो टीम लगी है वो लगातार जो वीडियो फुटेजेस हमें हमारे पास हैं और लगातार हमें पब्लिक की तरफ से और तमाम सोर्सेज से जो हमें मिल रहे हैं उसको हम इकट्ठा करके साइंटिफिकली उसको एग्जामिन करा रहे हैं और उसमें से जो तस्वीरें दंगाइयों का जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रहे हैं उसको हम डेवलप करके उनको पहचान के लिए प्रयास कर रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले में उपद्रवियों को भड़काने के पीछे कई लोगों का हाथ था। उन्हीं में से एक था नीली पगड़ी पहना ये शख्स इकबाल सिंह।
इकबाल सिंह ने 26 जनवरी को 83 मिनट तक फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की थी और इस दौरान वो लोगों को भड़काता रहा। इकबाल सिंह पर पहले से ही 50,000 रुपए का इनाम है। इसके बनाए वीडियो में जिन जिन लोगों के चेहरे दिखे थे, अब दिल्ली पुलिस को उनकी भी तलाश है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुछ दंगाइयों की तस्वीरें जारी की। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी क्या ये लोग काफ़ी समय से किसान आंदोलन का हिस्सा थे या फिर 26 जनवरी को हिंसा करने के मकसद से ही दिल्ली आए थे और किन लोगों ने इनको उकसाकर लाल किले की तरफ भेजा था। दिल्ली पुलिस अब तक 60 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर चुकी है। लाल किला के गौरव को नुकसान पहुंचाने वाले ये दंगाई अगर आपको कहीं भी नजर आए तो दिल्ली पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दें ताकि कानून इन्हें इनके जुर्म की सजा दे सके। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।